फर्स्ट जुम्मा इन एक बात है, ऐसे बनते हैं समोसे। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो रमज़ान मुबारक सबको पहली बात तो, और मैंने इतने दिन से रमज़ान के कोई व्लॉग नहीं बनाई। मैं सोची थी बनाऊंगी, लेकिन शेड्यूल बहुत मतलब ऐसा चल रहा है कि नहीं बना पाऊंगी, नहीं बना सकती। मतलब मेरे पेपर एग्ज़ाम्स अभी है चालू, तो मैं इंशाल्लाह 26 से बनाऊंगी। मतलब जो भी 15 दिन बचे उसमें सब बताऊंगी। अभी फ़िलहाल आज तो है रमज़ान का फर्स्ट जुम्मा। हाँ, रमज़ान का फर्स्ट जुम्मा, सबको जुम्मा मुबारक। और आज हम लोग बनाने वाले हैं, क्या बना रहे मम्मी? समोसे, जो रेडीमेड पट्टी आती है ना, तो उसके बनाने वाले हैं। और पिज़्ज़ा की वो रोटी लाई है छोटी वाली, उसके वो भी बनाएंगे। लेकिन एक बात है, मेरे मम्मी इतने खाने में माहिर है, लेकिन मेरे मम्मी को वो जो समोसे की जो पट्टी रहती है ना, वो आती ही नहीं है कैसे बनाते। तो हम लोग के पास एक, हाँ, फोल्ड करने नहीं आती वो कैसे जो करते। तो हम लोग के पास एक जुगाड़ू औरत है हमारे आफिफा के अम्मी हमारी बहुत हेल्प करते हैं। मैं उनसे मिलवाती हूँ, सबको पता ही होगा आफिफा के अम्मी कौन है, मेरे ब्लॉग में रहते ही है वो। तो रुक जाओ, मैं मिलाती हूँ उनसे। आप ये रहे आफिफा के अम्मी। आफिफा के अम्मी सलाम कीजिए। तो आफिफा के अम्मी बता रहे हैं मम्मी को कैसा बनाते हैं। अभी ये इतने तो बन चुके हैं, और ये तो कैसा बनाते हैं आफिफा के अम्मी बताओ जरा हम लोग को। ऐसा फोल्ड करने का। हाँ, उसके बाद उसके अंदर ऐसा मिश्रण करने का। अच्छा, ऐसा मिश्रण भर लिए। फिर उसको ऐसा फोल्ड कर देने का। अच्छा, ऐसा फोल्ड कर लिए। फिर उसके बाद उसमें आटा लगा दिए। ये आटा गाय का लगा रहे हैं? ऐसा लगा रहे हैं आटा, गेहूं का आटा, गेहूं को गरम करके। क्या फोल्ड कर लेने का? गेहूं के आटे को गरम करके लही बनाने का, ऐसा लगाने। ठीक है, और ये समोसा। वाह 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 वाह, तो ऐसे बनते हैं समोसे, ऐसे बनते हैं समोसे। मुझे खाने आता है, मुझे बनाने नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करती हूँ। समझे मम्मी? अभी अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन थोड़ा ट्राई कर रहे अभी मम्मी। दुनिया की चीज़ बनाती हूँ, लेकिन इसमें मार खा देती। तो जैसे कि अभी आपने देखा कैसा है, मतलब उसका जो भी है स्टेप्स, कैसे करते कैसे करते नहीं करते। तो अभी आफिफा के अम्मी ने मम्मी को बताया है, अभी मम्मी बना रहे हैं। और अभी 4 बज गए हैं, मेरा भी रोज़ा है आज। तो रोज़ा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं आज घर में ही हूँ ना, छुट्टी पड़ गई है कॉलेज की पेपर के लिए। तो आज मेरे बच्चे आएंगे अभी 4 बजे ट्यूशन, वो लोग को पढ़ाऊँगी। फिर उसके बाद हम लोग सब प्रिपरेशन करेंगे, मम्मी समोसे वमोसे तलेंगे, फिर मैं बताती हूँ आपको आगे क्या होगा। तो अभी इफ्तार का वक्त हो चुका है, वक्त मतलब आधा घंटा और बाकी है। अभी तो सारी प्रिपरेशन चालू है, तो मैं बताती हूँ अभी कि मेरे मम्मी क्या कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं मम्मी तुम? इडली चटनी बनाई, खाली कर रही हूँ। ठीक है, समोसे तल रही हूँ। अच्छा, और पिज़्ज़ा की रोटी पे लगा रहे। तो मैं बताती हूँ अभी मम्मी से समोसे तल रहे हैं। ये रहे समोसे। और ये कच्चे समोसे जो हम लोग ने पहले बनाए थे, है ना, दोपहर को जो बनाए थे वो समोसे वो। और ये पिज़्ज़ा की रोटी है। बस कितने कितने वो अभी गिनी नहीं। ये समोसे है, तो प्रिपरेशन चालू है। तो अभी प्रिपरेशन मम्मी की चालू है, अभी तक हुई नहीं है। और अभी बाकी है कुछ, अभी कुछ कितने बाकी है, मतलब 7:50 का है ना। हाँ, तो अभी और है 20-25 मिनट और बाकी है। तो फिर खोलते हैं रोज़ा, मेरे पापा तो आए नहीं अभी तक,
तो देखते हैं फिर खोलते हैं रोज़ा। अभी हम लोग फ्रूट्स वगैरह कट करते हैं। फ्रूट्स में आ जाए हम लोग के पास मस्कमेलन एंड वाटरमेलन। तो खरबूजे को और कलिंगड़ को हम करते हैं कट। फिर मैं बताती हूँ मैं कैसे कट करती हूँ फ्रूट। ये रही मेरी फ्रूट्स की प्लेट। मैं इतनी सजाई हूँ इसको जैसे कि कोई बड़े गेस्ट आने वाले खाने इसको। ये है खरबूजा, उसके ऊपर शक्कर डाली हूँ मैंने, और ये थोड़े से ग्रेप्स आजू बाजू में लगाई हूँ। ये हो गया है पिज्ज़ा रेडी, और पिज्ज़ा और मम्मी बना रहे हैं, समोसे वमोसे आएंगे। और आशु आ गई है। क्या लाई हो आपने? लाई हूँ। वाह, आज पुलाव नहीं है ना, आज जुम्मा है। ओ मेरे को पता था खाला पुलाव ही बनाएंगे, जुम्मा के दिन खाला पुलाव बनाते हैं। और ये क्या है आशु? कस्टर्ड है, फ्रूट सलाड है ना। तो ये फ्रूट सलाड और ये चिकन का पुलाव, वाह वाह वाह, मेरा फेवरेट। तो अभी आशु की प्लेट रेडी हो चुकी है। तो चलिए आशु, ये रहा पिज्जा, बच्चे ने बहुत सारा पुलाव लिया, और दो अंगूर डालती हूँ, तीन अंगूर। कैसा आशा ना कल का पिज्जा अच्छा लगा था तेरे को? बट हम नहीं देंगे। अम्मा की लड़की है। अम्मा का पिज्जा आशु को अच्छा लगा। आज भी हम लोग ने पिज्जा बनाए, समोसे ही बनाई ना रे, समोसे ही बनाए, समोसे ही आशु का उतना चमचा दे जा जल्दी। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। हमारी आज की इफ्तारी खरबूजा, ये खाला ने भेजे फ्रूट सलाद, पुलाव चिकन का, और ये मम्मी के समोसे, पिज्ज़ा, ये खाला के भजिए, ये भी है पिज्ज़ा। तो ये है मेरे मम्मी का पिज्ज़ा। तो ये पिज्ज़ा, इसमें मम्मी ने शेजवान चटनी लगाई जो उन्होंने बनाया, बहुत स्पाइसी है लेकिन अच्छी है। दो मिट्टी चटनी पहले इसको कटिंग करके डालती हूं। पिज्ज़ा बहुत अच्छा बना है, वेरी गुड, रोज़ बनाया करो। खुद तो दिमाग लगाएंगे तो चीज़ें अच्छी बनती ना, जरूरी नहीं कि बाहर का ला के खाना चाहिए। घर में भी चीज़ कोशिश करे तो अल्लाह ताला कामयाबी देता ना उसको। मेरे मम्मी मेरे को टॉन्ट मार रहे हैं। अभी हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मम्मी ने बनाया है वो है समोसा, नेक्स्ट रेसिपी। तो टेस्ट करते हैं समोसे को, गरम गरम है ये तो, क्रंची भी लग रहे हैं। वाह नाइस, क्रंची है, टेस्टी भी है इसके साथ, लेकिन टोमेटो सॉस और मिट्टी चटनी होगी। मिट्टी चटनी है ना, अंदर का मटेरियल मैंने मम्मी ने ऑलरेडी बनाए थे। तो अभी इफ्तार इफ्तार करके सब हो गया है, और आई होप सो आपको व्लॉग अच्छा ही लगा होगा। तो इफ्तार करने के बाद ऐसा हो जाता है ना कि मैं सो जाऊँ, मेरे को कुछ काम ही नहीं होता है, एकदम नींद आने लग जाती है, क्योंकि बोले खाई इतना लेते हैं। और खाते हो गया है, इफ्तार करके हो गया है, नमाज़ भी पढ़ ली है, फिर अभी मैं बैठी हूँ पढ़ने के लिए, तो मैं अभी पढ़ूँगी। और यहीं पे हम लोग ब्लॉग को एंड करते हैं। बस डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी मेरा नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह 26 से मैं रेगुलर डालूंगी, अभी ये लास्ट मतलब जुम्मा था इसलिए मैंने डाल दी। 26 से मैं रेगुलर डालूंगी, मेरे पेपर है, बस दुआ करना, मेरे सारे पेपर एग्ज़ाम्स अच्छे रहे मेरे दोस्तों के मेरे। तो बस अभी करते हैं व्लॉग को एंड, दुआ में याद रखना, बाय।